उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए संजीव जीवा मर्डर केस के बाद प्रदेश की तमाम अदालतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम योगी की ओर से निर्देश मिलने के बाद प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत हर जिले में अदालतों के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। लखनऊ की कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा की बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद वकीलों ने प्रदेश की कोर्ट्स में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का समय बढ़ा दिया है। सरकारी स्कूलों की छुट्टियों के संबंध में सरकार की ओर से जारी एक आदेश के तहत अब इन स्कूलों को 26 जून तक बंद रखा जाएगा। पहले यूपी सरकार की ओर से 20 मई से लेकर 15 जून तक सरकारी स्कूलों में छुट्टियों के आदेश दिए गए थे, लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए छुट्टी की मियाद को बढ़ा दिया गया। लखनऊ की कोर्ट में संजीव जीवा की हत्या के बाद गुरुवार को उसके पैतृक गांव में संजीव जीवा का अंतिम संस्कार किया गया। संजीव जीवा के अंतिम संस्कार के वक्त उसके परिवार के तमाम सदस्य मौजूद रहे। संजीव जीवा के बेटे ने उसे मुखाग्नि दी। संजीव जीवा के गांव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और प्रशासनिक अधिकारी खुद इस गांव में कैंप कर रहे हैं, जिससे कि कानून व्यवस्था की स्थितियां बनाई रखी जाए। लखनऊ कोर्ट में संजीव जीवा मर्डर केस के दौरान गोली लगने से घायल हुई एक बच्ची से सीएम योगी ने मुलाकात की। गुरुवार को लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहुंचे सीएम योगी ने इस बच्ची के परिवार से मिलकर उसका हालचाल लिया और डॉक्टरों को इलाज के समुचित इंतजाम करने के निर्देश भी दिए। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी लेफ्टिनेंट जनरल विपिन पुरी ने कहा कि इस लड़की का ऑपरेशन किया गया है और इस लड़की के शरीर में लगी हुई गोली को निकाल दिया गया है। फिलहाल इसकी हालत स्थिर है और डॉक्टर्स की एक स्पेशल टीम को इसके इलाज के लिए लगाया गया है। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के एक बिल्डिंग में आग लगने के बाद गुरुवार को यहां पर अफरा तफरी की स्थिति देखने को मिली। घटना उस वक्त हुई जिसके कुछ वक्त पहले सीएम योगी खुद यहां पर मौजूद थे। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के एक निर्माणाधीन भवन में आग लगने के बाद केजीएमयू परिसर में हड़कंप मच गया। मौके पर दमकल के तमाम वाहनों को भेजा गया और काफी देर तक यहां पर आग पर काबू करने के लिए फायर फाइटिंग ऑपरेशंस चलाए गए।